मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरी देश की धरती। तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, एकदम चकाचक होंगे। और दोस्तों अभी मार रखा हूँ नीचे खेतों में, और जिस साइड मार रखा हूँ इस साइड हमारे सिमार की खेती, और पीछे हमारा गाँव, और काफी प्यारा हमारा गाँव है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और दोस्तों जो आप ये पीछे फसल देख पा रहे हैं, यह है गेहूं की फसल। और दोस्तों देख सकते हैं गेहूं की फसल में जो गेहूं है इसके ऊपर बलाड़ भी आ चुके हैं। और दोस्तों गेहूं उगाने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस लगता है। और दोस्तों अभी जो ये गेहूं है ये पूरा का पूरा कच्चा है, अभी 1-2 महीने लगेंगे इसे पकने में। और पकने के बाद जो है दोस्तों औरतें इसे लवाएंगे, फिर घर ले जाएंगे, फिर सुखा के फिर फेरवलदा 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 करेंगे। और दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा ये टेक्नोलॉजी का एरा है, तो बहुत से लोग जो है ट्रैक्टर में गेहूं को मानते हैं। और दोस्तों जो आप मेरे पीछे फसल देख पा रहे हैं यह है जौ का फसल। और दोस्तों ये देख सकते हैं पूरा का पूरा जौ का फसल है। और दोस्तों पता है ऐसी गेहूं भी होता है इसके ऊपर जो आप झूस देख पा रहे हैं ना, ऐसी गेहूं भी होता है, और आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है कि ये गेहूं है या जौ है। और दोस्तों पता है जो ये खेत होते हैं इन जो गाँव के, ये जो आप ये बलाड़ देख पा रहे हैं ना, इसमें एक कीट बैठा होता है, जिस कीट को हम अपने हाथ में लेते हैं, फिर बोलते हैं पासपेल 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 पासपेल। अगर वो पासपोर्ट है तो हम पास है, अगर वो फेल पोर्ट है तो हम फेल है। तो दोस्तों अभी मुझे वो कीट मिला है, रुको आ जा भाई आप। दोस्तों ये देख सकते हैं ये है वो कीट, ये है वो कीट, चलो इसे उड़ाते हैं। पास फेल 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 पास फेल। दोस्तों तो फेल फेल पे उड़ा, दोस्तों कहीं मैं फेल तो नहीं हूँ? ओ माय गॉड दोस्तों, अरे यार तुम्हारा भाई पास है यार। दोस्तों ऐसा नहीं बोलो कि तुम्हारा भाई फेल है यार, दोस्तों तुम्हारा भाई पास है पास। यस दोस्तों, दोस्तों जो आप ये वाला पौधा देख पा रहे हैं दोस्तों ये है जवान, और ये किसी चीज के काम नहीं आता है, ये खाली घास है, इसे हम गाय बैलों को खिलाते हैं। दोस्तों ये देखो दोस्तों ये है जवान, वाह ब्यूटीफुल। तो दोस्तों इस साइड को है हमारी उपराव की खेती, और इस साइड को है हमारी सिमार की खेती। और दोस्तों जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं जितने भी उपराव के खेत हैं वो सारे बाधे गए हैं, मतलब कुछ कुछ खेत बचे हुए हैं। और दोस्तों इस बीच में काफ़ी उथल पुथल उथल पुथल हो रहा है, क्योंकि कभी बारिश हो रही है कभी बारिश नहीं हो रही है, कभी बारिश हो रही है तो कभी नहीं हो रही है। और अभी भी मौसम चेंज हो रहा है, क्योंकि कभी कभी ऊपर से काले बादल लग जा रहे हैं तो कभी कभी बादल हट जा रहे हैं। तो दोस्तों फिर भी जो है दोस्तों ये खेती का काम पूरा हो चुका है, और इसमें जो है दोस्तों धान बो दिए गए हैं, और इसमें दोस्तों जो मक्के होते हैं ना, मक्के के बीज भी बोते हैं अभी। और दोस्तों ये देख सकते हैं इसके बाद इसके ऊपर मोई भी लगा दिया गया है, और ये देख सकते हैं ये पूरा खेत एकदम बाकी तैयार कर दिया गया है। और कुछ 7-8 महीने के बाद इसमें धान उगेगा, फिर इसे औरतें लगाएंगे, फिर सुखाएंगे, फिर उसके बाद उसे खेत में माड़ेंगे। तो दोस्तों आज के व्लॉग बस इतना ही, आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।